छलांग लगाई है आज। अरे कसम से मजा आ गया पाजी, आज तो पैसिफिक मॉल में नजर आ रहे हो, क्या बात है, रजौरी गार्डन में। पाजी जगह आप ढूंढते हो या कोई आपने इंसान रखा है वही ढूंढता है? पाजी कभी कहीं तो कभी कहीं। आज पाजी एक काम करो, बहुत परेशान रहते हो ना तुम, मैं तुम्हें खाने नहीं देता, कुछ पीने नहीं देता, पीने से मतलब पानी से। आजा पाजी, आज आपको मैं केक खिला देता हूँ। पाजी कितने बढ़िया है, कौन सी पसंद हो वही ले लो। पाजी ये पैसिफिक मॉल है, स्पेसिफिक जगह है और पैसिफिक मॉल है रजौरी गार्डन का। पाजी तमाम लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप साहब? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं, क्या बात है साहब, चेहरे भी पाजी सब अच्छे ही अच्छे दिख रहे हैं साहब। क्या नाम है? हाँ सब अच्छा है साहब, गुड। हाँ साहब थैंक यू सो मच। दिल्ली से? हाँ, तो आज आप आई हैं मॉल में, और आज मैंने भी सोचा कहा गांव में घूमता रहता हूँ मैं भी साहब। हाँ दिल्ली में शहर में घूमो। हाँ दिल्ली में शहर, हाँ पैसिफिक मॉल, पैसिफिक मॉल। तो ये साहब इन लोगों के बीच में पाजी कभी कभी बात करनी चाहिए, ये अपने युवा हैं, अपने नौजवान हैं, पैसिफिक मॉल में आए हैं कुछ खरीदने आए, कुछ खरीदने आए। बहुत देर से बैठी थी आप? मेरा बेटा सिंगर है, मैं सिंगिंग करवाने आई। अच्छा बेटा सिंगर है आपका, अच्छा गाते हो बेटा? हाँ जी। क्या गाते हो? गाने गाता हूँ मैं। हाँ हाँ गाने गाते हो, सुनाओ जरा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। हाय हाय पाजी, और मेरे मुस्कुराने की वजह पाजी सिर्फ और सिर्फ कौन हो? तुम हो पाजी। तुम्हारी ये जो बार बार आना जाना रहता ना, बस यही आनंद दे देता है पाजी तमाम सब लोग। बेटा कौन अच्छा गाता है, पापा या मम्मी? कोई नहीं। अच्छा हाँ क्या बात है, नाराज हैं आप हमसे? नहीं ना, बिल्कुल नाराज नहीं है ना जी, नहीं। अरे जब आप मॉल में आते तो हंसता है चेहरा होना चाहिए ना। तो साहब क्या हो रहा दिल्ली में, क्या चल रहा, हवा क्या है, कौन सी चीज की? चुनाव आने वाले 9 अप्रैल को एमएलए के। ये देखिए, हे चुनाव वाले सब खड़े हैं भाजी, उधर भी देखिए आलोक जी भी खड़े हैं, कहाँ बीजेपी वाले, ये देखिए साहब खड़े हैं, पंकज जी भी खड़े हैं, और इधर जनरल जी भी, आम आदमी पार्टी वाले। भाजी ये लोग तो तैयारी में हैं, लेकिन भाजी जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना पैसिफिक मॉल में बिल्कुल सामने जी, ये इलाका रजौरी गार्डन का भाजी बड़ा वीआईपी हो गया है, क्योंकि यहाँ के एक शख्स चुनाव लड़ने पंजाब चले गए, जगह खाली हो गई तो फिर चुनाव हो रहे हैं भाजी, परसों ही तो है, परसों बस। और कहते जो यहाँ से बयार निकलेगी वो दिल्ली के एमसीडी की चुनाव को उसका टेस्टर होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी। पाजी तुम तब तक केक खाओ, और ये जरा पैकेज देख के ना पाजी, बस यूं आया मैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले ये तैयारी है राजौरी गार्डन सीट पर कब्जे के लिए। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर रविवार को उपचुनाव होना है। कांग्रेस अपनी इस परंपरागत सीट को दोबारा हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए प्रचार के लिए सिद्धू को पंजाब से खास तौर पर बुलाया गया। हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर सूबे में चंदेला साहब जैसे वर्कर नहीं होते। दिल्ली में 23 अप्रैल को एमसीडी चुनाव होने हैं, ऐसे में राजौरी गार्डन सीट आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के लिए ही अहम है। ये सीट आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के पंजाब चले जाने की वजह से खाली हुई है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से हरजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी अकाली से मनिंदरजीत सिंह सिरसा हैं, वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी चंदीला को मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी ने भी राजौरी गार्डन सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। स्मृति ईरानी से लेकर परेश रावल जैसे दिग्गजों ने उनके लिए प्रचार किया, मगर निशाने पर सिर्फ केजरीवाल ही थे। और सब जानते हैं केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है अब तक। 2 साल में क्या बदलाव हम देश में लाए हैं, और दिल्ली में क्या क्या हुआ है। राजौरी गार्डन सीट कांग्रेस के कब्जे वाली रही है। अजय माकन इस सीट पर 1993 से 2003 तक विधायक थे, फिर कांग्रेस के ही रमेश लांबा और दयानंद चंदीला विधायक बने। 2013 में यहां से सिरसा विधायक बने। दूसरी बार सत्ता में आने पर केजरीवाल की पार्टी ने बाजी मार ली। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, इसीलिए ये सीट बचाने के लिए खुद केजरीवाल मैदान में उतरे और उन्होंने विरोधियों को जमकर कोसा। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के एमएलए को विधायक बनाओगे, आदमी को
तो सारे काम होंगे। विपक्ष वाले को बनाओगे वो दो तो दो तीन है अब, तो उनकी वैसे ही नहीं चलती विधानसभा के अंदर। केजरीवाल के अलावा राजौरी गार्डन बचाने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आशीष खेतान भी मैदान में थे। राजौरी गार्डन सीट का नतीजा 13 अप्रैल को आएगा और ये सीट जिस भी पार्टी कब्जे में जाएगी उसके लिए एमसीडी चुनाव से पहले ये बड़ी राहत की बात होगी। हाँ बाजी, अब ये इलाका इतना अच्छा दिखता है तो इसमें मैं क्या करूं। हाँ बाजी, दिल्ली के कुछ इलाके तो जरूर चमकते हैं, लेकिन मैंने कई बार आपसे कहा दिल्ली में एक दो तीन दिल्ली नहीं रहती हैं, 5-6 दिल्ली रहती हैं और हर दिल्ली का कलर अलग है। और यहाँ के इस इलाके के विधायक साहब वहाँ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के लोग, उधर रुक करें लेकिन इधर भी बातचीत करना चाहिए, पूछना चाहिए लोगों से। तो आप शॉपिंग के लिए आई थी? जी हाँ, मैं शॉपिंग के लिए आई थी। ऑफ कोर्स, माहौल में तो इसीलिए लोग आते हैं, सवाल ही बड़ा नहीं पूछा जाना चाहिए था। लेकिन आपको एमसीडी के चुनाव के बारे में कुछ बोलना या नहीं बोलना? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप भी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। बिल्कुल नहीं बोलना चाहती, ऑनेस्टली नहीं। यकीन मानिए भाजी, ये और मतलब ये और मैं बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं। बिल्कुल दिल्ली का आम शहरी ऐसा ही होता है ना, वोट देने भी नहीं जाता ना। नहीं, वोट देने जाता। भाजी क्या बात है, आइए आइए परचर के ऊपर आइए आइए। तमाम सारे लोग हैं जो बात भी करते हैं, यकीन मानिए पॉलिटिक्स में बड़ी रुचि भी रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा पॉलिटिक्स पे बात की जाए। ट्रेंड पे बात की जा सकती है, फूड पे बात की जा सकती है, कल्चर पे बात की जा सकती है, दिल्ली की आबो हवा पे बात की जा सकती है, आपसे बात की जा सकती है। क्या देखा, कितने अच्छे लोग होते हैं भाजी। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन, तो आप बताइए कंचन, जो यहाँ पर एमसीडी के चुनाव भी होने हैं, दिल्ली में कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसी सरकार चुननी जानी चाहिए, इस पर बताइए मुझे। विकास के कार्य करे, जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हमारी एमसीडी की से रिलेटेड हैं, जो मेजर जो भी तो मौजूदा सरकार है उससे संतुष्ट है। हाँ, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छी सरकार है। हाँ मतलब अच्छी, मतलब काम हो रहे हैं बहुत सारे, शिक्षा पे। वो ये कहते हैं कि ज्यादा काम नहीं कर पा रहे क्योंकि सेंटर वाले अड़ंगे लड़ाते हैं। नहीं ऐसा, चलो वो जो है वो तो हर्डल्स अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद काम तो हुए हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। और एमसीडी में आपको लग रहा है कि इस बार कुछ नया होगा या जैसा चल रहा जो है वैसे ही रहेगा? चलना तो नहीं चाहिए, ये तो जनता को सोचना चाहिए। अब देख लो अपने आसपास, गंदगी चाहिए, सफाई चाहिए, पार्किंग की समस्या है। जी बड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया आपने, मैं तो सोच रहा था एकदम एक ही बार में क्लियर हो जाएगी पिक्चर, लेकिन आपने तो कंफ्यूज कर दिया मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप चाह क्या रहे हो। मतलब एमसीडी के ये चुनाव, इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा ये तो अब जनता पे है, वो क्या चाहते हैं। जनता ही तो डालेगी वोट ना, आप जरूर डालेंगे ना। बिल्कुल है भाई साहब, आप कैसे देख रहे थे, कंचन जी को देख रहे थे या हम को देख रहे थे? मैं तो आपको देख रहा था। पकड़े गए, दिल्ली वाले पाजी बड़े शातिर हैं, कहीं देखते हैं, बात कहीं करते हैं, बोलते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। पाजी कंचन जी को देख रहे थे या मुझको देख रहे थे? आपको देख रहा था। पक्का? इतना खूबसूरत नहीं हूँ मैं? नहीं नहीं, आप बहुत। क्या नाम है भाई आपका? शिबली। शिबली, शिबली साहब कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं? हाँ दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में क्या होने वाला है बताइए? अच्छा दिल्ली में रहते होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है? बस आपकी सरकार आ रही है। अच्छा, बड़ा शॉर्ट में टू बी वेरी प्रिसाइज, क्या नाम है साहब? सौरभ कुमार तिवारी। सौरभ जी, सौरभ जी क्या काम करते हैं आप? हल्दीराम में करते हैं। हल्दीराम में? हाँ जी। यार खाने पीने वाले अंधा लग रहा तुम भी है ना, क्या साहब बंदा मजेदार बंदा है ना भाजी। आदमी दिल्ली का ऐसे ही होता है ना, घंटों बैठ के बात करते रहो। देखो ऐसा दिल्ली के लोग ही दिल वाले हैं। हाँ जी, तो मेरे को लगता है सारे खुश मिजाज रहे, पॉलिटिक्स का माहौल है, बट मैं फिर भी यही चाहूंगा कि सारे प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें। आओ जरा ना भाजी, कहां इतनी दूर क्यों खड़े हैं यार, तुम्हारी तो मूंछों में इतना दम है। क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली का नजफगढ़। नजफगढ़ के इलाके के? हाँ पाजी, अगर मैं नजफगढ़ कहता हूँ ना तो इसका मतलब दिल्ली का आउटर वाला इलाका है, बहुत ही किसान वालों का इलाका है ना। बिल्कुल। तो क्या होगा इस बार? इस बार लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी सर। आम आदमी पार्टी। ब्रेक लो पाजी, ब्रेक 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 के बाद उधर चलेंगे, दंगल वही है, आओ। पाजी पैसिफिक मॉल राजौरी गार्डन में आपका एक बार फिर स्वागत है। भैया जी कहीं में आज बात पाजी, रेड कार्पेट भी है, म्यूजिक भी है, केक भी है। पाजी मुझे नहीं लगता ये 5-6 साल में कभी मौका आपको ऐसा मिला होगा जब केक भी मिला हो, कार्पेट भी मिला हो, म्यूजिक भी मिला हो। पाजी आज बहुत खुश है हमारे और कह रहे हैं कि बस ऐसे ही रहे, जिंदगी वहीं गुजर जाए। पाजी ऐसा कैसे संभव, जिंदगी ऐसे कैसे गुजर सकती है? जिंदगी तो बड़ी कठिन होती है ना जी। कठिन तो है,
लेकिन जैसे आप अच्छा दिल्ली में भी कठिन होती है जिंदगी तो कठिन है लेकिन जैसा आप जीना चाहें वैसे जी सकते हैं उसको आसान भी बनाया जा सकता है उसको और कठिन भी बनाया जा सकता है आसान बनाया जा सकता है जिंदगी कितनी आसान है ना यहाँ पे कितनी आसान है ना ऐसे आसान कैसे हो सकते सर बहुत आसान है कैसे आसान हो सकते केक की तरह है इसके लिए कि पहले हम लोग के मतलब कि कांग्रेस पार्टी जीत के आए तो उस समय हम लोग रेहड़ी पटरी लगाए तो खुशहाली थी फिर एक मौका हम लोग केजरीवाल के सिरसा जी के दिया तो वो नहीं जीता तो मतलब कि सारे गरीबों के लिए कहा कि हेल्प करेंगे मतलब वो कुछ भी नहीं करा और मंगाए हमारे जुगियो झोपड़ी में तो झांकने तक नहीं आया अरे हाय पाजी तुम ढूंढ ही लेते हो पता नहीं क्या तुम्हारी आदत है एक चावल कहीं से ढूंढ ही लिया जिंदगी कितनी आसान है ना गुरु जी बिल्कुल आपके सामने तो आसान लग रही है कितनी आसान है ना जिंदगी जिंदगी कहाँ से आसान होगा कितनी आसान है ना जिंदगी देखिए देखिए आ गई बोलने आए क्या बात जिंदगी सपने की तरह है पाजी ज्यादा वक्त मत गवाओ वरना बगल में ही उदाहरण मिल जाते हैं जिंदगी कितनी आसान नजर आती है ना राजी तुम हंसते बहुत अच्छे हो यार क्या नाम है तुम्हारा बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ क्या बात है बंदा ही बहुत अच्छा है राजी बंदे तो सब अच्छे हैं लेकिन दिल्ली में तारुफ करा देते हैं आज हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद हैं जाना माना नाम है कांग्रेस में इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं बिंदापुर से चुनाव लड़ रहे हैं ना बिंदापुर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं क्या बात है आपने भी चुनाव लड़ने की सोची ली बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अच्छा चुनाव लड़े बहुत बहुत आप बरसों से आते रहे पैनल पे चुनाव लड़ रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पाजी और हमारे साथ बगा जी मौजूद है बीजेपी से तेजेंद्र जी है ना जी 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 हाथ में क्या लिया समोसे लेके आए समोसे क्यों कहानी है समोसे की भी कहानी है जी जी जब भाई बीजेपी में हर जगह कहानी है पहले मैं एक दुकान हर चीज की बीजेपी में कहानी पहले मैं एक दुकान पे गया वहाँ समोसा 7 रुपए का था मैं दूसरी दुकान पे गया समोसा 10 रुपए का था तीसरी भी गया समोसा 20 रुपए का था लेकिन पूरी दिल्ली में मुझे नहीं मिले वो समोसे जो अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए के जनता के पैसे के खा लिए ये आरटीआई की रिपोर्ट है कि जनता के 1 करोड़ रुपए के पैसे के टैक्स मनी के 1 करोड़ के समोसे केजरीवाल जी ने खा लिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई साहब कोई बात नहीं बाजी ना 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 बाजी गजब है दिल्ली देखे समोसा ही लेके आ गए हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि प्रवक्ता एकदम हाथ अंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया समोसा लेके आ गए क्या बात है और ये हमारे विधायक जी हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी के और हमारे साथ मौजूद है जनरल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तो इन्होंने बताया आपके ऊपर कह दिया सीधे सीधे कहाँ से लाए वो समोसा जुमला पार्टी वाले समोसा तो ले आए आरटीआई भी ले आए जो एमसीडी वालों ने 58 लाख रुपए का एक बंदर पकड़ा है वो भी आरटीआई है उसका जवाब एक सेकंड ने क्या कहा 1.25 लाख से 1 लाख हाँ गुरु जी बस बिल्कुल एक ही एक आदमी बोलेगा हाँ जी आप क्या कह रहे थे जो इन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे 58 लाख का एक बंदर पकड़ा अगर ये साबित कर दे अभी लाइव टीवी पे राजनीति छोड़ दूंगा नहीं तो ये राजनीति छोड़ दे राजनीति छोड़ने की तैयारी कर ले ये दिल्ली की जनता है नहीं, ये शमशान कब्रिस्तान के नाम पे वोट नहीं देती ये तथ्य पे वोट देती है 2014 का जो नशा चला था 15 में दिल्ली नहीं उतारा था अब फिर 272 की 272 सीटें एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिलेगी फिर उतारेंगे पंजाब और गोवा में वो नशा इनका भी उतारा था जी अब आलोक जी बोलना चाहते हैं जी जी कि दोनों बेकार में लड़ रहे हैं अभी पंगा पंजाब की जनता ने भगाया है तो बिल्ली आप बन जाइए ना रजौरी गार्डन की जनता भी इनको भगा रही है मैं समझता हूँ एक तरफ भगोड़े पार्टी का भगोड़ा विधायक था जो पंजाब भागा और पंजाब ने भी भगा दिया दूसरी तरफ एक पार्टी वो है जो जिसके ऊपर आरोप है कि ड्रग माफियाओं का पैसा रजौरी गार्डन तक पहुंचा दिया ये दोनों अपने घर चले जाएं कांग्रेस जीत रही है कांग्रेस दिल्ली में वापस आ रही है हम जीत रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में जीरो
गुजरे हुए वक्त से जो नहीं सीखा ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। कांग्रेस कांग्रेस को तो डूब के मर जाना चाहिए जो हालत दिल्ली में की हुई है। सरकार बनाई है, 2/3 मेजोरिटी के साथ कैप्टन साहब बने हैं, उसके बावजूद इनको गुजरा हुआ जमाना याद नहीं आ रहा है। अभी भाई ने आपका खाता जीरो है, उसके बाद गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। दिल्ली की दुर्दशा केजरीवाल जी ने कर दी है, मोदी जी के जुमले अब नहीं चलेंगे। शायद ये उसी गुजरे वक्त की बात कर रहे हैं जो 40 में से 39 सीटों में जमानत जब्त हुई है गोवा में, उसी गुजरे वक्त की ये बात कर रहे हैं। पीछे भाजी आपसे पूछेंगे, भाजी भाजी आप इधर हो और एक उधर है, दो ही लोगों से मेरा मन लगता। पीछे 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 भाजी, हाँ हाँ जी, मेरी 70 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र का ये एक्सपीरियंस है। दो बंदे थे, बड़ी बड़ी बात देकर के अपने खुश कर देते हैं। पहला नंबर केजरीवाल जी यहाँ से आए हैं, जो बात करते हैं और बात को पूरा करते हैं। इतनी बात न करें अपने विराम। क्या बात है, क्या बात है भाजी, तो आप तमाशा देख रही हैं? और क्या तमाशा इतनी देर से देख रही है, कुछ बताइए फिर हमको, क्या क्या नजर आ रहे हैं एमसीडी के चुनाव में, क्या लग रहा हो? यहाँ तो एमएलए के चुनाव, आप कहाँ रहती है बताइए पहले। मीनाक्षी बगल में ही है, तो आपका तो रजौरी गार्डन में आता है नहीं? रजौरी गार्डन हाँ, आप एक बात बता दूं मैं, बहुत 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 शांति से, बहुत शांति से मैं नहीं आऊंगा कदम नहीं आऊंगा। भगत सिंह का ये लगाते हो, टी शर्ट लगाते हो, बात सुनते नहीं हो, डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं हो यार, कैसे भगत सिंह का तुम टी शर्ट पहने हो? मेरी बात सुनिए, ईमानदार बड़े पढ़े लिखे लोग बने हो, सब भ्रांत लोग हैं, नारे लगाएंगे मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा, मैं फट से प्रोग्राम मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, 100% बंद कर दूंगा प्रोग्राम। हाँ मैं आराम से मुद्दों पे बात करूँ, हाँ मैं इशू पे बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, सवाल इस बात का है, घेरा बड़ा करो ना, सवाल मुद्दों का है, आनंद ला लीजिए, सवाल मुद्दों का है। मुद्दों पे ये बात कही गई कि कुछ आरोप लगे शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में, कुछ आरोप लगे, उसमें कुछ बोलना चाहेंगे? आज मीडिया पे आरोप लगते हैं कि मीडिया बायस होके काम करता है, आप इधर हम सवाल पूछेंगे तो आप भी सवाल पूछेंगे, आज लाइव हो रहा है, आज ये चीज सबके सामने आनी चाहिए, आज मीडिया से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर रजौरी गार्डन के विधायक को भगोड़ा बोला जाता है तो आज के जो वेस्ट दिल्ली से सांसद है परमेश वर्मा जी, वो भी विधायक की सीट से इस्तीफा देके लड़े थे, इनके मुंह पे माइक लगा के पूछिए उनके बारे में क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, लेकिन आपने जो एक सवाल पूछा मैं उसके बारे में कह दूं, पाजी इन्होंने आपके ऊपर सवाल पूछा है, पाजी आप पे सवाल पूछा है, पाजी एक कमेटी बैठाओ ना हम लोग के ऊपर भी, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पाजी अगर कोई गलती है, हम में से कोई गलती है तो पाजी बाहर आना चाहिए। कहां तक सवाल हो झेलेंगे पाजी, हमने ईमानदारी से काम किया है, पसीना नहीं बहाया पाजी, पसीना जिन्होंने बहाया हो हमने पसीना नहीं बहाया। सवाल आपके जवाब दीजिए। सवाल शुंगलू कमेटी पे था, मेरे भाई ने घुमा दिया, शुंगलू कमेटी में जो आरोप लगाए हैं मैं बताना चाहता हूँ, ये वही शुंगलू कमेटी है जिसके आधार पे अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगा था। आज अगर शुंगलू कमेटी अगर इन पे आरोप लगाती है तो कहते हैं झूठी है, यही इनके एक रुपए की बात कही थी ना जी। हाँ जी, समझता हूँ दिल्ली की जनता के सामने भाजपा और केजरीवाल की दोनों की पार्टियां बेनकाब हो चुकी है, दिल्ली में कांग्रेस वापस आ गई है, इस पिछले 15 दिन के प्रचार से पूरी तरह से क्लियर हो गया है, आज पूरा वोट बैंक जो था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है, पंजाब से मार खा के आए हैं, रजौरी गार्डन भगा रहा है और एमसीडी के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या बात है। बात आपने कहा था जी, बात करते हैं मुद्दों की, आते हैं मुद्दे पे, दिल्ली के सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, 97 करोड़ का पैसा दिल्ली की जनता का, अपने टैक्स का पैसा अपनी जेब में भर लिया, दिल्ली की जनता के पानी के
बिल मुद्दा थे, दिल्ली की जनता के बिजली के बिल मुद्दा थे, दम था, दम था। तो 15 साल के अंदर बिजली के बिल आधे क्यों नहीं करके दिखाए, ये पूछो इनसे। दम था तो दिल्ली के लोगों का 20,000 लीटर पानी क्यों नहीं फिर करके दिखाए। अभी एक महीना नहीं हुआ, क्लिनिक लाइए। दूसरा, अभी एक महीना नहीं हुआ उत्तराखंड में सरकार बने और बिजली के बिल बढ़ गए। ये बीजेपी का सुशासन। 2007 के बिल दिखाए और आज के बिल दिखाए। इतना दम था तो क्यों नहीं बिल कम करके दिखाए। मेरे दोस्त जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आज सीसीटीवी की बात नहीं कर रहे, आज ये महिला कमांडो की बात नहीं कर रहे, आज वाईफाई की बात नहीं कर रहे, आज 500 स्कूलों की बात नहीं कर रहे, या 20 कॉलेज की बात नहीं कर रहे। जो वायदे इन्होंने विधानसभा में किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं कर सके। इसलिए अपना मुंह छुपा रहे उन वायदों से, उन वायदों की बर्बाद करे जिसके ऊपर आप आए थे। आज उसके ऊपर आप मुंह छुपा रहे हैं। दिल्ली की जो आपने वायदे किए थे उसके आधार पे पंजाब और गोवा ने आपको मुंह की खानी पड़ी है। दिल्ली में भी जी वादे की बात, वादा किया था बिजली हाफ पानी माफ हो गया जी। 48 घंटे के अंदर तुम बताओ 15 लाख रुपए कितनों के खाते में आए बताओ जी। अच्छा गुरु जी एक बात है, गुरु जी एक बात है, लफा जी तुम भी सीख गए हो। अजी रूठ कर कहाँ जा रहे हैं? 5 सेकंड हमें साथ ले लो। थाने से सचो को फोन आया, बीजेपी और दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मत करें। सर आपको एक चीज मना किया था ना।